हरे कृष्णा, वेलकम टू श्री केदारनाथ धाम। अभी हम केदारनाथ, अभी हम सोनप्रयाग से गाड़ी करके हम अभी जा रहे हैं गौरीकुंड। तो आप लोग थोड़ी देर बाद ही देख पाएगा गौरीकुंड में, जहाँ पे गर्म पानी होता है, एक साइड में ठंडा पानी और एक साइड में गर्म पानी। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी टाइम बाद ही हम गौरीकुंड का वीडियो दिख पाएंगे। तब तक आप लोग साथ में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। जो भी केदारनाथ धाम दर्शन करना चाहते हैं, साथ साथ मैं यहाँ पे और भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मेरा केदारनाथ धाम दर्शन पे मेरे को जानने को मिला है। हो सकता है कुछ त्रुटियाँ भी हो, आप लोगों को क्षमा दृष्टि से दिखना, और अगर कुछ अच्छा है तो गुरु और गौरांग का कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी का कृपा और भक्तों का कृपा से मैं जानता हूँ, इतना मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी जो वीडियो दिखा है वो गौरीकुंड है, जहाँ पे गर्म पानी होता है, साथ में जो है नदियाँ उसमें पूरा ठंडा बर्फ पानी रहती है। तो हम अभी जा रहे हैं ऊपर केदारनाथ धाम दर्शन के लिए। ये एक झरना का है जहाँ पर बहुत ऊपर से झरना पड़ती है। ये हमारा सुंदर केशव प्रभु जी है क्योंकि रेनकोट है, वहाँ पर बारिश हो रहा था इसलिए, साथ में ऊपर से बहुत ऊपर से झरना आ रहा है और इतना ठंडा पानी है, माइनस में भी -5 to 10 degrees होगा मेरे को ऐसा लगता है वो पानी। और वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है। ये जो बारिश दिख रहा है आप, ये पूरा शिलावृष्टि हो रहा है, पत्थर भी बोल सकते हैं आप, लेकिन बंगाली में इसको शिलावृष्टि बोलते हैं। बहुत ही शिलावृष्टि, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और मेरे को लगता है ऐसा जहाँ भी पड़ेगा वो बहुत दर्द करेगा, पेन होगा। पूरा शिलावृष्टि हो रहा था उस टाइम, लगभग हम एक घंटा वहाँ पर वेट किया था। तो गौरीकुंड का बाजू में ही है ये, हम वहाँ पे छानी में बैठ के रेन शेल्टर वहाँ पे वेट कर रहा था, लेकिन एक घंटा तक बारिश हुआ था। ये जो है वीडियो, ये जहाँ पे हेलीकॉप्टर केदारनाथ टू सोनप्रयाग, लगभग यहाँ से सोनप्रयाग का जो है उसे केदारनाथ धाम तक ये हेलीकॉप्टर का सर्विस होता है। तो हेलीकॉप्टर का सर्विस के बारे में अगर आपको जानना है तो हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे कॉस्ट का बारे में बताएंगे, वहाँ पे आप लोगों को ये हेलीकॉप्टर का कितना खर्चा होता है और कैसे आप कर पाएगा वो हेलीकॉप्टर का बुकिंग, वो भी आपको बताएंगे। अगर केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करना है तो उस टाइम पर आपको बहुत स्पेशली केदारनाथ के लिए मैं वहाँ पर बताएंगे वो वीडियो स्पेशल। हरे कृष्ण। दूसरा जो चीज़ है, जो भी सीनियर सिटीजन है और जो भी चलने के लिए अक्षम है, पूरा कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए ज़रूर हेलीकॉप्टर यात्रा ऐसाई है, क्योंकि लगभग 16 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। पर्सनली मेरे के लिए और मेरा साथ जो सुंदर सत्र जाया उनके लिए, हम बहुत ही थक चुका था। लगभग हम 2:30 बजे स्टार्ट किया था, लगभग 7:30-8 बजे हम 10 किलोमीटर ही आ पाए, आके थक गया हम। फिर हम वहाँ पे नाइट स्टे किया था। नाइट स्टे करने के पश्चात हम फिर सुबह मॉर्निंग में वापस हम आया था। अभी हम इसके पश्चात के धन्यवाद हम आ गया हम दर्शन। शिला उस टाइम जो बारिश हो ना, स्नोफॉलिंग भी बोल सकते हैं, और बर्फ ही गिर रहा था उस टाइम, पूरा बर्फ को बहुत वेट वेट होकर के बर्फ गिर रहा था, और वातावरण भी इतना अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा था उस टाइम। कृष्ण का कृपा से और महादेव का कृपा से बहुत सुंदर वातावरण था वहाँ पे केदारनाथ धाम पे, बहुत अच्छा लगा। कष्ट हुआ लेकिन बहुत अच्छा लगा। श्री केदारनाथ धाम की जय। तो ये जो दिख रहे हैं नंदी, केदारनाथ धाम का टेंपल का कुछ स्ट्रक्चर बनाया था वो फोटो। पीछे का जो है वो पूरा बर्फ है, पूरा ही बर्फ का पहाड़ है वो। यात्रा बहुत उसके पश्चात धीमे धीमे कोशिश कर रहा है केदारनाथ धाम जाने के लिए। बहुत ऊपर है केदारनाथ धाम, बहुत सारा झरना ऊपर से आ रहा था, काफ़ी भक्तों, हजारों भक्तों लोग वहाँ पे केदारनाथ दर्शन करने के लिए जा रहा था।
हरे कृष्ण। साथ में भक्तों का साथ बात किया था वहाँ पे वीडियो कॉल में। फाइनली केदारनाथ जी का हमको दर्शन हो गया था। बहुत कष्ट होने का बाद मैं एक बार सोचा था आ जाऊँगा, बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन फाइनली दर्शन किया था। उसका पश्चात ऊपर ही हम प्रसाद लिया था बिना प्याज लहसुन का। बाद में हम जब आ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, तब हम घोड़े पे करके हम आया था। लगभग 30 घंटा बाद हम शिव जी का, महादेव का दर्शन हमको मिला था। मैं थोड़ी परेशानी हो गया था क्योंकि 4 घंटा लाइन पे खड़ा होने के बाद भी हमको सीरियल नहीं आ रहा था। उस टाइम मैं आ चला आ रहा था। फिर बाद में उसका पश्चात कुछ भक्तों ने बताया, इतना कष्ट करके आया आपने, भगवान को दर्शन करके जरूर जाइए। हालात बहुत ही ख़राब हो गया था, आपने देख पा रहा है, मेरा फेस भी पूरा चेंज हो गया था उस टाइम। स्नो फॉलिंग भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, साथ साथ में बहुत आनंद भी आ रहा था। फाइनली आप लोगों को बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा दृष्टि से देखना। हरे कृष्ण। श्री केदारनाथ धाम की जय।